पूछे कि अमित जी आप सही बताओ, आप भी लिख रहे हो क्या ये सब बैठ आजाद जी आप लोग गलत अरे भाई साहब, आप पहले मेरे को ये बताओ कि झूठे बेल कहाँ पर आए, मेरे को वो बता आज तब तक मैं की ही क्यों स्ट्रीमिंग बताऊं आपको। हिस्ट्री का सबसे बड़ा आरोप लगा है मेरे ऊपर। इसके पहले नहीं सर, मैं झूठे आपसे बेल नहीं का आरोप जानूंगा, लगा मैं ये जानूंगा। वाला मेरे को सबसे पहले ये बड़ा बताओ था। पंकज, मेरे को ये बताओ कहाँ पर झूठे बेर खाए थे, वो मेरे को अच्छा बताओ, मैं ठीक चेक। है, जी पंकज जी, आप भी बहुत देर से वेट कर रहे हैं, बोले हम इस स्ट्रीम को एंड करते हैं। हमने जय श्री राम कहा तो कुछ कहे नहीं सर किसी ने आप में से। अच्छा, हम जय श्री राम नहीं जय, बोलते ना? नहीं कोई बात नहीं, जय भीम सर, बोल, जय भीम, बोलिए हाँ बोलिए। राइट राइट राइट, मैं यही कह रहा था सर। चलो इसी के ऊपर एक चीज कहना है जरवेश जी, मैंने जय श्री राम बोला कोई प्रॉब्लम नहीं, आपने जय भीम बोला कोई प्रॉब्लम नहीं, तो कोई राम को पढ़े आप लोग ना पढ़े तो उसमें समस्या क्या है फिर, क्या प्रॉब्लम है उसमें सर? किसमें? मैं ये कहना चाह रहा हूं सर कि अभी जैसे कि बहुत लोग रामायण पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, उसको मानते हैं, बहुत लोग नहीं भी मानते हैं, आप लोग नहीं मानते, जो मानता है वो माने, आप लोग को नहीं मानते हैं तो नहीं माने, तो इसमें प्रॉब्लम कहाँ पर आता है सर कि आप लोग इतना बड़ा रैशनलिस्ट का जो है पूरा एक मुहिम चला के रखे हैं। पंकज जी, चाहे आप अच्छा, आप उसको ये माने, बताएं, आप एक काल्पनिक किरदार को मान रहे हैं, ठीक है, आप एक काल्पनिक पात्र को मान रहे हैं, आपकी आस्था है, तो आप उसके बारे में ये भी तो पढ़ लें कि आपके काल्पनिक पात्र के बारे में क्या लिखा हुआ है। उधर आपका सही बात काल्पनिक पात्र की जो फिक्शनल स्टोरी है उसमें वो शंबुक की हत्या कर रहा है, मतलब नहीं उसकी सर, क्या इंस्पिर उसे है, क्या इंस्पिरेशन लोगे उससे? अगर ये बोल रहे चलो हैं कि भाई जिसको मानना है माने, जिसको नहीं मानना नहीं माने, तो उसे परेशानी क्या? परेशानी ये है, आपको हमको नहीं, आके ये बताना पड़ रहा है कि आप लोग को क्या हाँ परेशानी है, आपको हमको आके बताना पड़ रहा है। आपके काल्पनिक पात्र की वजह से जातिवाद फैला समाज में, आपके काल्पनिक पात्र की वजह से खून बहा, आपके काल्पनिक पात्र की वजह से औरतों की जो हालत है ना हमारे देश में, वो मतलब एक जानवर से बदतर है। मैं बोलता हूँ औरतों की हालत, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ ना, सुन के ना बहुत ही बुरा लगेगा। अगर कोई औरत यहाँ पे सुन रही है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, भारत देश में, भारत की बात करूंगा क्योंकि मैं किसी और देश में नहीं रहता हूँ ना, नहीं भारत देश में बराबर, औरतों की जो स्थिति है ना वो जानवरों से बदतर करके रखी गई है। चार दीवारी में उनको उनको घुसेड़ दिया गया। ये आपके जो काल्पनिक पात्र है ना, इन्हीं लोगों की देन है, इसलिए बोलना पड़ता है। आपके जो काल्पनिक पात्र है ना, ये आधुनिक युग के दुश्मन है। आपके जो काल्पनिक पात्र है ना, ये विज्ञान के दुश्मन है। आपके जो काल्पनिक पात्र है ना, तरक्की के दुश्मन है, विकास के दुश्मन है। एक आज आज जिस जो हालत में आज देश है ना, ये आपके काल्पनिक पात्र की वजह से, इसलिए बोलना पड़ता है सर। आपके काल्पनिक पात्र की वजह से देश को ना गुलामी सहनी पड़ी है। आपके काल्पनिक पात्र की वजह से देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा ना, नहीं मतलब अपने इंसान है कि नहीं है वो, मतलब उसको इस बात से महरूम कर दिया गया आपके काल्पनिक पात्र की वजह से, इसलिए बोलना पड़ता है। अब आपको समझ में आई बात देखो, कि मैं और अपना शीशा को और पिघालूं ताकि वो और कान में जाके पड़े। हाँ, आपका जो ठीक काल्पनिक है, पात्र है ना, इसके नाम से खून बहा है, खून। आप लोग जो इतना खुश होते हो ना कि आप लोग उस काल्पनिक पात्र के नाम से एक बहुत बड़ा मंदिर बना रहे हो, आपको पता भी नहीं, आप लोग को मालूम है बहुत अच्छे से, आपने ना लोगों की छाती में से खून फाड़ के निकाला है और वहां से उस जगह की धरती को सींचे हो आप लोग, ठीक है, ये है आपके काल्पनिक पात्र की देन, आप सर ये जो कह इसलिए रहे हैं, बोलना ठीक है पड़ता है। ठीक है, ठीक आपका है, आप काल्पनिक पात्र मुहम्मद से अलग नहीं है, जितना ठीक है, क्रूर वो था ना, उतने ही क्रूर आप लोग हो, और इसकी वजह है आप लोगों का काल्पनिक पात्र। ठीक है। तो सर वो काल्पनिक पात्र में जो भी चीजें बताई गई हैं इतना सारा उसमें चीज ये, बता दिया है यार, कोई ऐसी चीज बोलो जहां पे मेरे को काट सको। विज्ञान अरे के नहीं दुश्मन मैं हो आप लोग जो ना, आज हम अमित लोग जी, इसरो पे इतना इतना गर्व करते हैं, अगर आप लोगों के ऊपर छोड़ दिया जाता ना, तो अभी ये वैदिक फिजिक्स निकाल के दिखा रहा था, हम इसी में रह जाते। और हाँ बोला भी हूं कि उसको बाहर से आके ठोक ठोक के गए हैं हमको लोग, अब ठीक यही है। तो बात अच्छी है, उसके ऊपर भी सर हम लोग बात कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, वन बाय वन करके आते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा।
अभी ठीक है कि ये काल्पनिक पात्र जो भी चीजें कहते हैं, ऐसा तो है नहीं कि सर हर चीज के अंदर में सिर्फ नेगेटिव पॉइंट ही दिया हुआ है, जैसे कि पॉजिटिव सब बताओ चीज मेरे को, का। अच्छा पॉजिटिव क्या है पॉजिटिव आपका? बताओ, ठीक अमित है अमित चलो। जी, अमित जी, अमित जी, एक मिनट एक मिनट, पंकज जी आप कोई भी पॉजिटिव चीज बताएं, उससे पहले मुझे एक चीज बताएं। आप एक 20-25 लीटर या 100 लीटर या 200 लीटर खीर बनाते हैं। अब खीर तो अब अच्छी है, बात तो और ना वन सुनिए डॉलर सुनिए करेंगे, सुन, हाँ ठीक सुन है, लो तो सुन लो आप सुन लो पंकज सुन जी, लो सुन लो सुन सुन लो, लो, पंकज लोग आए थोड़ा उनको सा भी सुन बेटर लो रहेगा पंकज सर। जी, नहीं पंकज जी सुन लो यार, ऐसे आप काट नहीं सकते। 100 लीटर दूध की आपने खीर बनाई, अब 100 लीटर खीर में सिर्फ एक बूंद कोबरा का जहर पड़ गया तो फिर आप उसे खा पाओगे? वैसे ही नहीं बात इन खा पाएंगे शास्त्रों सर, में है। हाँ, तो वैसे ही बात इन शास्त्रों में है, कितना भी साथ में पॉजिटिव दिया हो, अगर उसमें एक बूंद जहर है ना, तो वो जहर भी साथ में जाता है, जी इसलिए नहीं सर, वहां पे। शास्त्रों ने ये भी कहा है पंकज जी, कि पंकज जी, मेरी बात पूरी होने के बाद अपने ही आप टर्न लीजिएगा, बोलिएगा। ठीक है उसी तरह ये चीज ऐसी है कि जहां पे नेगेटिव चीज है ना, उसका उपयोग ब्राह्मणवादी लोग, ब्राह्मण अभी भी नहीं बोल रहा हूं, हाँ ब्राह्मणवादी लोग अपने आप एक्सेप्ट करते हैं, जाति प्रथा मानते हैं, जाति प्रथा के नाम पे किसी के ऊपर डोमिनेशन करना चाहते हैं, किसी को डिप्राइव करना चाहते हैं, स्त्रियों को दबाना चाहते हैं, उनको उनके बेसिक राइट्स नहीं देने हैं। ब्राह्मणवादी और ब्राह्मणों को बैठे बैठे खाना है और काम करना नहीं है। ये सारी बदियां जो है ना, जो जहर रूपी बदियां, वो उस खीर के साथ आ रही है, इसलिए वो खीर खाने लायक नहीं है। अब बोलिए। अरे जर्वेश साहब ये बताइए कि आप जो कह रहे हैं कि जातिवाद के नाम पर सब हो रहा है, आज के डेट में कौन ऐसा पर्सन है जो जातिवाद नहीं करता है अच्छा, इस 20वीं सदी में पिछले 70 साल में कितने चीजें आई, चीफ सर? जस्टिस ऑफ एक इंडिया, देखिए अभी सुनिए भी अभी सर सुनिए देखिए आप जो सुनिए सुनिए, नॉमिनेशन की नहीं जो अब सर, सुनिए, अब सुनिए सुनिए, हाँ सुन चीजें आई, लीजिए सर आप चीफ पहले, जस्टिस, आप भी सर सुनिए मैं एक बार सुनूंगा, मुझको चीफ जस्टिस गिरने ऑफ इंडिया, दीजिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कितने एसटीएससी या ओबीसी समाज से आए, ये बताइए मुझे, फिर बोलिए आप। नहीं है ना जातिवाद, बताइए हाँ सीजेआई ठीक कितने ठीक है हैं। सर, अच्छा ठीक है ये बताइए उसके अंदर में किसकी कमी है सर? आप अगर कोई SC ST OBC अगर नहीं आ पाया उसके अंदर अच्छा आप मेरे में, को ये उसमें बताओ किसकी सर, कमी है सर? सर आप मेरे को ये बताओ, आप बोल रहे हो समाज में जातिवाद अभी कम होता जा रहा है, आप यही बात बोल रहे हो नहीं ना? नहीं ये कह नहीं रहे सब करते हैं, नहीं सब करते हैं, कौन ऐसा है जो सब नहीं करते हैं करता है सर? जातिवाद। सब हाँ ये कह करते रहे हैं हैं सब करते हैं। सब करते हैं। आपको, अच्छा हाँ हम देखिए लोग आज के करें डेट यहाँ पे में बैठ अगर, के जातिवाद, नहीं, मैं बोल देता हूँ सर सुन लीजिए, नहीं ST कौन कैंडिडेट करता है अगर नाम खड़ा होगा बताइए ना, ना, हाँ मैं बता देता हूँ, कौन ST करता? कैंडिडेट खड़ा होगा ना तो सारे ST ST को ही वोट देंगे, यार OBC वो कैंडिडेट खड़ा होगा नहीं तो नहीं OBC आप ना मेरे OBC को ही वोट से, अरे देगा सर। भाई पॉलिटिक्स की मत बात करो, आप अपनी बात अभी करो, भी उन लोगों का जर्विश आप मत बात जर्विश जी करो ना, ने अभी जो आप है, अपनी बात जर्विश करो। जी ने जो नॉमिनेशन की बात कही थी, मैं उस हाँ नॉमिनेशन के ऊपर उनको आंसर कर रहा हूँ। अगर आप सर नॉमिनेशन में देखते हैं ना तो हर आदमी जो है ना अपने कास्ट वाले को ही वोट करता है पहले, चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे राजपूत हो, राजपूत के वर्ग से कोई खड़ा होगा तो राजपूत को ही पहले वोट करेगा, राजपूत भाई बाद में दूसरे को सर देखेगा। सर, तो इसी वो चीज भी के अगर, खिलाफ तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं यार, आप तो हम ही लोग का जो पॉइंट है उसी को बोल रहे हो आप तो फिर। इस चीज के खिलाफ जो सर आप बात कर रहे हैं आप, ठीक है हाँ सर भाई आप मैं तो इस चाहता चीज ही नहीं हूं कि कोई तो शूद्र सर हो, एक मिनट सुनो, एक मिनट पहले मेरी बात, मैं चाहता ही नहीं हूं कि हमारे कोई शूद्र हो, कोई ब्राह्मण हो, कोई राजपूत हो, मैं तो मैं जो जातिवाद है ना इसके ही खिलाफ हूं, और ये जो जातिवाद है इसकी जड़ है आपका धर्मशास्त्र। ये तो अगर आप ये धर्मशास्त्र के सोचोगे कि आपका जो धर्मशास्त्र हो बचा ऊपर रहे और जातिवाद जातिवाद समाज से हटाता खत्म हो जाए, तो ऐसा थोड़ी ना होगा, है, धर्मशास्त्र तो सर जातिवाद को हटाता है। हटाता है। अगर मैंने आपको दिखा दिया, मान लो कि आपका जो धार्मिक शास्त्र है उसमें ही जातिवाद सिखाया गया है, तो फिर हम लोग बातों में ही देख लेंगे सर, बातों में ही पता चल जाएगा। आप मेरे को नहीं ये नहीं बता मैंने दीजिए अगर अभी हम आपको अगर लोग, अभी यहां दिखाया कि सर आपकी सुनिए ना धार्मिक आप किताब में सर, जातिवाद फुट कुट कुट के भरा हुआ है, तो फिर क्या होगा, फिर हमारी धार्मिक क्या करोगे किताबों आप? में, हमारे ही धार्मिक किताबों में जातिवाद को कुट कुट के हटाया भी गया है सर। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं आपको दो चार गीता के श्लोक दिखाता हूं, अगर आपके में सर हिम्मत है श्लोक ना नहीं, तो आप मेरे हटा को के दिखा बोलिए दीजिए। सर, सर देखिए आप बोलिए सर, पहले हम लोग गीता पर बाद में आएंगे, पहले अभी जर्विक साहब कुछ रामायण से रिलेटेड भी बातें कर रहे थे, आपने भी शुरुआत में बोला था, एक बार उसका हम लोग आंसर ले लेते हैं फिर हम लोग उस पर भी आ जाएंगे सर। देखिए ये जो जातिवाद या जो भी पंकज जी से चीज है, पहले भी अपनी बात हुई क्या?
हाँ इससे पहले ऐसे हुई है, हुई दो रात याद आ में रहा है गई मेरे थी, को। 2:30 बजे रात में थे हम। तो मेरा ये कहना है सर कि देखिए ये जो कास्टिजन सिस्टम जो भी है ये आज से नहीं से शुरुआत से हर समय से चलता आ रहा है, तो उसको हटाने के लिए ही अच्छा बहुत से लोगों ने शुरुआत से ही काम किया है। किसने अगर आप काम राम किया? को किसने सुन किसने किसने काम किया? किसने लीजिए, अरे मेरे भाई किया? हाँ हाँ ये सुनिए, बताइए। हाँ हाँ नहीं बताओ आप बोलो। अजीब अजीब बात कर रहे तो हो ना सर, काटना पड़ रहा है अजीब पीछे, अजीब कौन काम किया अजब है? बात, आप सुन हाँ नहीं रहे बताओ हो तो बताओ, आप कौन कैसे काम किया? बताएं? हाँ तो बताओ ना, सुन तो रहे हैं, बताओ कौन काम किया? तो अगर हम लोग सर रामायण टाइम का अगर बात करते हैं, उस टाइम पर भी अगर जाति प्रथा चल रही थी तो उस टाइम पर राम भी तो आकर के जाति प्रथा को दूर करने का काम किए थे। बस रुक कैसे जाओ, कैसे बस रुक जाओ, कैसे रुक जाओ, कैसे? रुक जाओ, बस रुक जाओ सर, इनको बताते हैं। अच्छा ये बताओ, एक उसमें कैरेक्टर आता है इसका मतलब शंभूक शंभू। का, जो हाँ शंभूक जी जब अपने लोगों को पढ़ा रहे थे और राम जी बगैर उसके किसी शंभूक, दोस्त के शंभूक का उनकी पात्र गर्दन सर, उड़ा दिए। शंभूक का पात्र, शंभूक का पात्र अरे अभी वैलिड आप कह नहीं दोगे है। ना कि हाँ वैलिड नहीं, आपके लिए वो वैलिड है ही नहीं, आपको होगा भी नहीं शंभूक वैलिड। का पात्र आप सर जो चीज सुन पढ़ लीजिए, जाओगे ना वैलिड शंभूक का होगी। पात्र वैलिड नहीं है। यार हद आजाद कर जी, दिया आजाद आप जी, लोगों ने। आजाद जी, एक सुन मिनट लीजिए पंकज सर, जी, तो आपके हिसाब से, पंकज जी तो आपके हिसाब से ना शंबुक का पात्र वैलिड होगा ना ही मनुस्मृति में जितने राम जी वैलिड है श्लोक। कि नहीं? राम जी पहले वैलिड है पहले आपके? हम लोग एक एक बार बात कर लें सर, पहले एक चीज के बारे में, आप शंभुक के नहीं बारे नहीं में नहीं आप, कहते अरे हैं, क्या सुनिए। बात नहीं कर सर, लूं, आप वैलिड ही नहीं होती ना आपके लिए, जहाँ जो चीज आपको आप नहीं माननी वो आपके, एक आप अपने हिसाब से एक मानते हो आदमी का चीज। कैरेक्टर, अभी आजाद जी सर देखिए आप यही वो चीज, कमी है सर, अभी आप सर लोग अगर शेयर सुनते नहीं, करें ना खाली वो सब चीज बोल। दिखाने। अरे बस मैंने सुन लिया ना आजाद आपको, जी अमित सर वो दिखाएं, वो दिखाएं सर, अमित सर अगर आप शेयर कर सकें जो मैंने आपको भेजा था ना, एक बार इनको वो दिखाते हैं वो वैलिड है या इनवैलिड है, वो भी पूछ लेते हैं इनसे नहीं, वो तो इनसे यार। मैं दिखा के हाँ इनसे पूछते हैं ना, मगर राम ने कौन सा ऐसा जातिवाद हटाने का, चलो चलो मान तो मा, हाँ आप बोलिए, बोल रहे हो मुझे कौन शंभूक सा कैरेक्टर जातिवाद नहीं है। हटाने को दिया था तो मैं क्या बताऊंगा आपको, बताइए। हाँ हाँ चलो हाँ अभी बताओ बताओ बताओ। हाँ एक कैरेक्टर राम का है जो शंभूक की हत्या करता है, और एक कैरेक्टर राम का है जो शबरी के जूठे बैर खाता है। जातिवाद कहाँ हटा है उसमें, ये बताओ ना। क्यों जातिवाद सर, हट गया जहां पर जूठे। लोग, जहां पर लोग जो हैं जातिवाद के नाम पर छुआछूत का भेद करते हैं, तो राम जो है राजा होकर के शबरी का जूठा बैर खा रहा है, तो शबरी तो छोटी जाति से बिलोंग करती है, तो वहां पर तो वो जातिवाद हटा रहे हैं कि नहीं हटा रहे हैं? ये वो लिखा है संसार उसमें को ये पूरा ऐसा। संदेश दे रहे हैं, वो देखो देखो, यूनिवर्स इनके को इनके संदेश दे बोलने रहे से हैं। पहले ये चीज आ गई थी, ये चीज इनके हाँ बोलने से पहले आ गया था ये चेक हाँ सेक्शन में। हाँ वो संसार को सर मतलब ये ऑलरेडी उसमें वहां पूरा पर लिखा मैसेज हुआ दे रहे है हैं। कि जो शबरी है वो उसका कास्ट भी लिख दिया है, और राम जी उसका जूठा बेर खाए तो लिख दिया है हाँ भाई कि ये चूंकि खा लिए तो राम जी ने जातिवाद को हटा दिया, लिखा है उसमें पूरा। नहीं, जातिवाद को हटाया वो नहीं तो एक ठीक मिनट सर है, सुन, एक मिनट लेकिन रुकिए ना जारविस जी। हाँ उसमें हम लिखा है कई ऐसा ना, चीजों के देखिए, उसमें ये जो लिखा सर है ये आप जो मान रहे हमारी हो। जो काव्य है सर, ये जो काव्य दिया अरे हुआ तो इसको भाई जो यार महाकाव्य, राम पूरे वाल्मीकि रामायण में किसको चिल्ला चिल्ला के बोला है भाई कि क्या मैं चीज, छत्री हूं, मेरी मर्यादा है, छत्री हूं छत्री हूं, किसको याद दिला रहे थे वो बैठ के? किसको याद दिला किसको रहे याद थे सर, दिला? हाँ बताओ ना आप बताओ। ये तो समझा नहीं क्वेश्चन आपका मैं अरे यार सर, राम तो पूरी वाल्मीकि रामायण में चिल्ला चिल्ला के हर जगह जहां पे जरूरत भी नहीं वहां पे भी उठ के बोल दिए खड़े होके, छत्री धर्म निभा रहा हूं छत्री धर्म निभा रहा हूं, क्या किसको बोल याद दिए दिला सर? रहे थे वो? हाँ क्या बोले? अच्छा और सर इनसे ये भी पूछ लेते ना, सबरी शूद्र है ये कहाँ लिखा है, ये भी तो जानना जरूरी है ना, जातिवाद अश्य मिटाया में उन्होंने नहीं कि थी नहीं। सर, तो तो ब्राह्मण ब्राह्मण भी तो नहीं थी, राजपूत भी तो नहीं थी, या किसी उच्च वर्ण से उस तो समय वही पर तो तो बिलोंग पूछ रहा नहीं हूं करती भाई कि थी। राम जो चिल्लाए हैं भाई बार बार कि क्षत्रिय धर्म होता है, मर्यादा पुरुषोत्तम हूं मैं, मेरी मर्यादाएं हैं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं इस वंश का हूं उस वंश का हूं। वो राम ने नहीं कहा है, राम के चाहने वालों ने लिखा है, जैसे कि बुद्ध हैं? ने कुछ भी नहीं लिखा है, बुद्ध के अरे चाहने वालों ने लिखा है। वाह, मतलब अच्छा एक सर, मिनट एक मिनट एक मिनट, रुक जो, रियलिस्ट आजाद भाई एक मिनट रुक जो, मतलब आप ये बोल रहे हो कि राम ने ऐसा कुछ नहीं लिखा, राम ने ऐसा कुछ नहीं कहा, वाल्मीकि रामायण राम को इतना प्यार करते थे कि उन्होंने राम के मुंह से ऐसा कहलवा दिया, आप ये बोल रहे हो ना? राम के मुंह से कहलवाया नहीं हाँ सर, राम अच्छा के सिर्फ चाहने हाँ या वालों ने ना, लिखा सब सर कुछ। अरे चाहने वाले, हमें हाँ 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 वही वही इनका दिखा रहा हूं इनका आजाद भाई। ये हाँ बेर वाली कहानी भी इनकी फर्जी है, मैं इनसे पूछ रहा हूँ, मेरे पास रामायण रखा ही ना, तो चेक कर लेते हैं। आप ये बताएं ये सबरी वाली जो है ना झूठे बेर की, वो एक बार हम चेक कर रहे हैं। चलो मेरे पास अच्छा रामायण में ये उठाता हूँ, बताओ बताओ। ना,
वो नहीं बताओ, नहीं एक बताओ मिनट, कहाँ ये आता भी है, बताओ कहाँ कि आया ये बोल रहे राम के चाहने वालों ने कहलवा दिया, यही बोल रहे हो ना? वाल्मीकि रामायण में जो लिखा है, वाल्मीकि सर? हलवा दिया नहीं अमित रामायण में जी जो ने, भी आप लिखा है वो ध्यान सही है से कि सुनिए गलत अमित है? जी, अमित जी सब आप अरे ध्यान वाल्मीकि से रामायण में रणनीति जो शेयर भी लिखा है करो सही है गलत है? अमित जी, आप ध्यान से सुनिए, मैं आपको हाँ, बहुत चाहता हूं और आपके मैं भी बारे में आपको मेरे बहुत को जो चाहने लग अच्छा गया हूं लिखना है सर मैं लिख रहा आजकल। हूं, हाँ ठीक है? है, तो वैसे ही राम को अच्छा चाहने वाले आप जो मेरे भी को लोग बहुत थे चाहते हो तो उन्होंने मेरे आपके बारे में बारे कुछ में भी लिख लिखा। दोगे ऐसा? हाँ, मैं आपको चाहता हूं आपके बारे में जो भी अच्छी चीजें, मेरे को अच्छी नहीं, जो भी आपकी बुरी या अच्छी जो भी चीजें हैं, हर चीज मेरे को, अगर आपके बारे में अगर मेरे को डिक्टो करना होगा, किसी को बताना होगा, तो आपसे रिलेटेड हर एक चीज मुझे बतानी होगी। मेरी वही स्क्रीन रामायण शेयर के कर अंदर दो, किया गया है, राम के बारे में जो अच्छाइयां मेरी थी, जो स्क्रीन बुराइयां थी, शेयर कर सारी दो चीजें दिखा। रियलिस्ट आजाद भाई। आज आज इन आज ना इनको दिखाते हैं चाहत क्या होती, दिखाते हैं इनको फिर से जी हाँ, गुल आप गुल सनियाँ बताइए ना दिला सर, आप देता हूँ। स्क्रीन शेयर क्या कहना है, हाँ बोलिए ना, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात को। हाँ हाँ ये देखो सुनाते भाई, हैं। ये इतना चाहता है ये वाल्मीकि, ये देखो क्या लिख रहा है सीता के बारे में। देखो, तुम्हारे दोनों स्तन पुष्ट गोलाकार परस्पर सटे मुझे पता है प्रगल्भ पुष्ट दूध से गोलाकार, भरे। मैं एक बता मिनट देता हूँ इस रुको ना। चीज में। हाँ 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 क्या बिल्कुल, है बताओ, हाँ बता दो। ये जो आप ये जो चीज पढ़ते हैं सीता के बारे में, इसमें आपको क्या ऑब्जेक्शन लगता है सर? अरे भाई, प्रगल्भ मतलब दूध से भरा हुआ, उसके निप्पल उठे हुए हैं, चिकना वो उसका कमर है, ताड़फल के समान एक ब्रेस्ट दिख रहा है, हाँ, तो एक मतलब फीमेल की, अरे मैं आपको एक फीमेल का जो भाई है, एक सुनिए, एक मिनट सुनो फीमेल के ना बॉडी पार्ट का पंकज स्ट्रक्चर बता जी, रहा है, उसमें पंकज आपको जी सुन लो मेरे को तो सुन कोई लो ऑब्जेक्शन ही नहीं है, मैं तो वाल्मीकि की चाहत बता रहा हूं यहां। वो इतना हाँ, चाहत चाहते कि थे, ये तो चाहत है अंदर भाई। था, इतने हाँ अंदर तक घुस जाते थे, क्या क्या हाँ देखती थी। उसके अलावा सिलसिला ये पंकज चाहत जी, का न तूने हम रुकने दिया, ये देखो ओ पिया, उठे हुए मुख वाले तुम्हारे, मोटे मोटे निप्पल, चिकने चिकने ताड़ फल के समान। अमित जी, हाँ आपने हाँ क्या नैरेटिव चाहत चेंज ही कर रहे चाहत हैं, है। हाँ ठीक है? आपने ये देखो, अमित जी, आपने नैरेटिव चेंज कर रहे हैं सर यहाँ पे। क्या है कि देखिए, तुम्हारी अभी कमर एक सोच इतनी के ऊपर में पतली, हमारा, इतनी पतली रुक जाओ कमर, रुक आहा क्या जाओ, चाहत है भाई, मैंने तो ऐसी चाहत ही नहीं देखी कभी। चिकने तुम्हारे केश, दोनों स्तन एक दूसरे से सटे हुए, बार बार इतनी चाहत आ गई है। हाँ कि बार ये बार देखो क्या लिखे जा रहे चाहत हैं ही चाहत दिख रही है भाई इसमें तो। हाँ जी। वाह मैं वाह, आपको सिर्फ एक ही चीज पूछना चाहता हूं, आप ये अच्छा बोल अमित रहे सर थे कि ये चीज ना, तो अभी दिखा दी, एक चीज ये चीज दिखा दी। अब मैं इनसे पूछता हूं कि पंकज जी, अब आप ये बताएं कि सबरी का जो आप रेफरेंस दे रहे हैं उसको मैं एक बार चेक कर लेता हूं कि जैसा आप बता रहे हैं वैसा झूठे वेर खाए थे या नहीं खाए थे, वो भी मैं देख लेता हूं। मैं रामायण निकालता हूं, आप मेरे को रेफरेंस दो कहां पे लिखा है, वो मेरे को ये अभी आप याद शेयर नहीं, कर सको ना तो आप शेयर वो करिए। याद नहीं नहीं फिर है याद नहीं, सर, वो मेरे को फिर याद अभी नहीं, फिर याद कैसे तो पता क्या, आपको कि मतलब वो खुद लिखा है। ही दुनिया में जितने लोग रामायण पढ़ते हैं ना, सब ये चीज बताते हैं सर, ठीक है? आपको अच्छा एक वो शंभू रुको का वध रुको वाला मा, चीज मा, आपको याद है रुको रुको ना? रुको, हाँ मतलब आपको बताते हैं वो आप मान लोगे, ये चीजें हम दिखा रहे हैं, ये आपको अलग मतलब नजरिए से देखना, आपका एक अलग ही वो व्यू है, ठीक है? और दूसरी बात, आप शंबूक वध नहीं मानोगे क्योंकि वो आपके नजरिए में फिट नहीं बैठता। आप नहीं, सबरी फिट की सुनी बैठने की कहानी बात को नहीं है सर, नहीं, नहीं, नहीं आप ना फिट नहीं बैठने डाइवर्स की कर रहे बात हैं है, फिट बैठने की ही बस बात सर, है, आप आप फिट डाइवर्स बैठने कर की रहे ही हैं। बात है, अरे भाई डाइवर्स हम कर रहे हैं, तो फिट चाहत बैठने की दिखा बात रहे हैं है, यार बस। आपने दिखा रहे हैं, हम आपने सर देखिए देखो राम की भी चाहत मैंने दिखा, वो नहीं लिखा है, वाल्मीकि की राम के वाल्मीकि ने बारे में की लिखा राह है दिखा। जी, आपने पूरा रुक जाइए रुक जाइए पंकज जी, अभी मैंने आपको बहुत बोलने दिया, आपने बहुत वो कर लिया। अमित सर इनका वो भी दिखा सर, दीजिए ना, राम का, राम के बारे में भी इनकी चाहत ये दिखा दीजिए ना वाल्मीकि जी की। आजाद जी, आपने एक पूरा मिनट रामायण पंकज पढ़ जी, लिया है, आपको शबरी कहीं नहीं नहीं दिखाई दिया लेकिन शंभूक आपको दिखाई दिया, ये शो एक करता मिनट है कि सर पंकज आप जी, पंकज लोग नहीं, और आपको जी आप आपको सुनिए शंभूक दिखाई नहीं दिया, आपको सबरी दिखाई दे गया सर, जो फर्जी सर नहीं, कैरेक्टर हम है। देखेंगे शंभूक वाला भी, हम अरे देखेंगे आप लोग शंभूक को वाला। सबरी संभूक दिखाई दिया, मेरे को तो प्रगल्भ मोटे मोटे चिकने चिकने ताड़ फल के जैसे स्तन दिखाई दिए, बस अब मेरे को ये यही अमित जी दिखाई कैसा है ना, दिया। कि अमित जी देखिए, हाँ ये कैसा है ना, ये आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस दृष्टिकोण से अरे तो देखते हैं। सामने वाला गंदी वहां गंदी बात पहले लिख रहा है यार, क्यों लिख रहे हो इतनी गंदी गंदी बात गंदी वहां बात? पर क्या क्या जो है दृष्टिकोण पंकज लगाए जी, उधर बताओ। पंकज जी, हाँ क्या वहां पर जो दृष्टिकोण है सर लगाए एक उधर, जब फीमेल, आपका यही हाँ है। वहां पे जो है, वहां पे जो है एक फीमेल के बॉडी पार्ट का ही स्ट्रक्चर खाली बताया गया है कि उस समय वो कैसी थी, कितनी बार जस्ट बताना इट। है, पंकज कितनी बार बताना जी, है, बार बार बताते जाना है, बार बार। क्यों सर, पूरे रामायण में सिर्फ उतना ही अच्छा बताया ये गया है अच्छा क्या? अच्छा आप मेरे को एक अच्छा बात एक बताओ, सेकंड, सुनो, पूरे मेरे रामायण में स्त्री वही की बताया बात गया है छोड़ क्या? दो,
अमित सर ये दीपिका परियार जी लिख रहे हैं, रामायण में बेर का जिक्र नहीं है ना झूठे का जिक्र है, ओनली सबरी ने फल खिलाए ये लिखा है। हाँ हाँ, ये हाँ मैं यही यही चीज मैंने कहना भी, चाहता था हाँ कि ठीक ये है, सबरी ने फल हाँ खिला दिए, ठीक फिर है, आप झूठ और क्यों बोल रहे हैं कि पर झूठे बेर खिलाए जिसे उसने। अच्छा ठीक है, ये तो बोल ही रहे कौन हैं। से अच्छा प्रकाशन का ये भी वो बोले मेरे को पढ़ रहे हैं पंकज जो जी, हमको एक नहीं मिनट दिख रहा आप है? बोले, एक मिनट रुको ना, आप हमको तो बोले नहीं कि मिला भाई झूठे स्त्री बेर की जो का। सुंदरता है, स्त्री के बॉडी पार्ट के बारे में बता दिया भाई, बार बार मैं बता रहा है यार। अभी ना सुंदरता, स्त्त्री को छोड़ो, सुंदरता अभी नहीं बोल रहा अगर हूं अमित मैं, जी, अमित एक जी मिनट, रॉन्ग स्त्री वर्ड, अमित जी रॉन्ग वर्ड, सुंदरता नहीं के बॉडी सर। पार्ट बोले आप, स्त्री के बॉडी पार्ट हाँ बोले ना, हाँ चलिए स्त्री वो के एक बॉडी मिनट पार्ट के बारे में अमित बार जी बार, एक सर एक मिनट, स्त्री हाँ के बॉडी पार्ट के बारे में बार बार वाल्मीकि बोल रहा है, आप बोल रहे हो कोई गलत बात नहीं है यार, वो तो छोड़ो, अगर आपके बॉडी पार्ट के बारे में बार 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 बार, अभी यहाँ पे, अभी मैं यहाँ पे अगर बोलना चालू करूँ ना, आप भाग जाओगे यहाँ से, आपके सर, बॉडी मैं पार्ट के बारे में। अभी अमित जी मैं अभी जीवित हूं और मैं अभी एग्जिस्ट कर अच्छा रहा अच्छा हूं, जिस दिन आप मैं मरोगे ना, उस सोशल। दिन आपके बॉडी पार्ट के बारे में बार हाँ बार हाँ बार हाँ बार बार ऑब्वियसली बार, मैं ऑब्वियसली एक सर क्वेश्चन आप ऑब्वियसली, लिखूंगा किसी एक जिस दिन पर्सन को आपके जब बॉडी हमें, पार्ट के बारे में अमित लिखा रहेगा, जी किसी ठीक एक है। पर्सन को अरे जब हमें पंकज डिस्क्राइब करना आप होता पहले है रुक ना, तो जाओ इसके यार, डोंट चांसेस। इंटरप्ट पंकज जी, पंकज जी डोंट इंटरप्ट। या तो आप अपने आप को ही काट रहे हैं, मतलब आप जिसको भगवान समझ रहे हैं उसका, आपको उसके मौत के बाद उसको गाली भी देंगे क्या? आप अपने ही काट कर रहे हैं अपनी अरे बॉडी सर और उस दूसरे। भगवान को तो जिंदा रहते ही इंसानों ने गाली दी थी, तो मौत के बाद ही गाली पड़ जाएगी तो कौन सी बड़ी बात हा, है? और वो भगवान चुपचाप सुनता रहता ओ, था, सुनता वाह वाह, क्यों सुनता नहीं रहता था, सुनेगा? डेफिनेटली सुनेगा ना सुनता सर, सुनेगा ना रहता सर। यही हिंदू था। धर्म के अंदर भगवानों की भी यही मर्यादा है कि उन्होंने कभी हा। किसी के नियम का उल्लंघन नहीं किया है। अच्छा अच्छा हो एक रे, और एक पॉइंट मिनट, मैं पंकज जी, भक्ति से पंकज जी चूर हो गया हूं मैं, आहा पंकज आगे बताओ पंकज जी आगे। पंकज जी एक मिनट सर, पंकज जी अभी आपने ये भी बोला कि स्त्रियों के प्रति उसके देह सौंदर्य का वर्णन हुआ उसमें क्या गलत है? मुझे इतना बताइए, सीता एक माँ की जगह पे लिखी हुई एक स्त्री पात्र है, सीता माता। और कल को हनुमान से आप कहलवा रहे हो एक सेकंड अच्छा सर, कल को पंकज जी आपका बेटा हुआ और वो आपके घर और कुटुंब के प्रति ऐसा एक ग्रंथ लिखे और आपकी माता यानी आपके बेटे की दादी माँ के लिए ऐसा वर्णन करेंगे, तो आपको ये मान्य होगा? लेखक, लेखक के लिए सर कोई भी चीज उचित या अनुचित नहीं होता। लेखक जब किसी चीज के बारे में बताता है तो वो उसकी पूरी जानकारी देता है लोगों को, चलिए ठीक है, अभी आप और ही की सच्चा बात कर ये रहे बताओ हैं तो क्योंकि वाल्मीकि जी, हर अच्छा चीज। पूरी जानकारी कैसे की है वाल्मीकि जी, अच्छा ये बताओ अच्छा इतनी जानकारी कैसे निकाले थे वाल्मीकि जी, और ये भी इसके तो अलावा अच्छा अगर अगर लेखक को पूरी लिबर्टी है तो वो लिखावट का जमाना था, आज हम डिजिटली एक चीज लिख रहे हैं तो हमें भी पूरा राइट, राइट है हम क्या बोले, ठीक है? तो उस चीज को सर हम कहाँ कह रहे हैं, राइट तो है, डेफिनेटली राइट है, बट आप उसको जैसे कि देखिए किसी भी, आप जो है उस चीज को जब टर्न करके सर गलत वे में ही सिर्फ लोगों को क्यों बताते हैं इस चीज के ऊपर ना, अच्छा आप बताइए सारी चीजें। देखिए धर्मशास्त्र के अंदर में कोई भी वर्ल्ड का कोई पर्सन जो है ना किसी चीज को सही नहीं ठहरा सकता, रामायण इज 100% राइट, इट कांट बी एनीवन से, कोई नहीं कह सकता, महाभारत पूरी तरीके से सत्य है, कोई भी नहीं कह सकता, ओ, कैसे ठीक सत्य है, है? वही तो सर मैं किसने, कह रहा हूं, सत्य है कोई तो कैसे आर्कियोलॉजिकल नहीं एविडेंस कह मिला? सकता। एविडेंस दिखा सकते हो? अरे आजाद जी वो यही कह रहे हैं कि आर्कियोलॉजिकल हमें, एविडेंस, आर्कियोलॉजिकल सर्वे टीम ने सर अपना सर्वे खत्म तो नहीं ना किया है, अभी अभी सृष्टि बची है, अभी दुनिया खत्म नहीं हुई है सर, अच्छा दो अभी सौ भी सालों से ही ना अभी नहीं, बुद्धा के प्रमाण भाई, मिल रहे हैं पर आपके राम और ये कृष्ण नहीं मिल रहे हैं, ना तो महाभारत मेरे में भाई कोई चीज मिल गए मिल ना, रही वो है, भी अभी तो बस कब अभी तो दो ढाई मिलेंगे, हजार कहाँ साल का ही मिलेंगे? प्रमाण मिला है, अभी एक तो उम्र काम बची करो आप बची है लोग सर। ना, सब ना धरती को खोद के अंदर में समा जाओ, पाताल लोक के अंदर, वहीं पे ही है आप हाँ लोग का सब। अभी अच्छा आपको एक चलिए, और ये भी तो चीज सर, दिखा रहा हूँ, एक खोज रहा हूं मैं, ये तो रुको ना, चलिए एक बात क्या हुआ, क्या आपका राम मैं बोलता है भाई सीता के वैसे बारे में। हालांकि सर कहाँ आया हुआ पूछना था सस्ता यहाँ पर, नशा करते एक हो, इतना सस्ता नशा कहाँ से दूसरा फूंकते हो पंकज जी आप? बात बोलने के पर्पज से आया था, लेकिन बीच में आकर के वो टॉपिक ही चेंज हो गया। अच्छा मेरे आप को सर गलत एक, इंटरप्रेट करोगे ना आप, तो फिर यही होगा, नहीं, मिसकोट गलत करते हो इंटरप्रेट चीजों का को। मतलब नहीं सर, देखिए इंटरप्रेट तो जैसे कि रियलिस्टिक आजाद जी आप हो गए, अभी एक चीज मैं बताता हूँ सर, एपीजे अब्दुल कलाम जी का मैं अभी एक बुक पढ़ रहा था, ठीक है, नाम एक्चुअल भूल गया हूं मैं, लाइफ के ऊपर ही उनकी थी कि आखिर उन्होंने किस तरीके से सारी चीजों को इन्वेंट किया। अब्दुल कलाम जी उस किताब के अंदर में लिखते हैं और कि वो एक दिन गीता पढ़ रहे थे, वो हर तरह का किताबों को पढ़ते थे, गीता भी पढ़ते थे, तो गीता में उन्होंने जब कृष्ण का पाठ को पढ़ा
और कृष्ण के हाथ में सुदर्शन चक्र बताया गया। जब उन्होंने सुदर्शन चक्र को पढ़ा तो वो उससे काफी प्रभावित हुए कि आखिर ये कैसा, उस फिर लपेट लो वाली बात जी। हाँ फिर देखिए, लपेटने वाली बात नहीं सर, एपीजे अब्दुल कलाम वॉज द साइंटिस्ट ऑफ इंडिया, उसकी किताब है लाइफ ऑफ अब्दुल कलाम, वो किताब आप पढ़ लीजिए। एक मिनट रुक जाओ, बस यही हो जाती सर। देखिए जब कोई आदमी कुछ बोलता है ना तो इतना भी मतलब लाइटली में मत हंसिए। अरे यार, अरे अरे यार क्या करें पंकज जी, आप क्या करें, हमारे साइंटिस्ट भी करो। चंद्रयान टू जब भाई लॉन्च होने वाला था उससे पहले भाई वो गोबर गणेश बना के पूजा किए थे, तो भाई हम क्या मान लें कि भाई वो गोबर गणेश की वजह से मतलब फेल हो गया, मतलब सफल हो जाए, ऐसा नहीं कहना चाहिए। लेकिन ये चीजें यार मतलब क्या है, फिर उधर पकड़ के लाते पंडित जी को, भाई वो साइंटिस्ट होके वो नक्षत्र ग्रह उनसे पूछ रहे हैं जिनको ये देखो, दो कोने के उनको ये भी नहीं पता क्या नक्षत्र और क्या ग्रह। कर दिए क्या स्क्रीन शेयर मेरी? हाँ कर दिया। हाँ जूम कर दिया। कहाँ गए पंकज जी? देखो राम क्या बोल रहे हैं सीता को, वाल्मीकि रामायण से पढ़ रहा हूं ना, जिस कीर्ति के लिए मैंने तेरा उद्धार किया वो मुझे मिल चुकी है, अब मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं, अब तुम जहां चाहो वहां जा सकती हो, हे भद्रे मैंने निश्चय करके तुमसे ये कहा है। अरे सुनो एक मिनट, बीच में नहीं बोलो। हे भद्रे मैंने निश्चय करके तुमसे कहा है, लक्ष्मण भरत वानरेंद्र सुग्रीव अथवा राक्षसेंद्र विभीषण में से जिसके यहां तुमको रहना है वहां जाके रहना पसंद करो, या तुम्हें जहां सुख मिलने की आशा हो वहां तुम रह सकती हो। हे सीते तुम्हारा दिव्य और मनोहर रूप देखकर रावण ने जो चाहा सो किया होगा, क्योंकि तुम उसके घर में बहुत दिन से रहती थी। ये लो भाई मर्यादा पुरुषोत्तम राम, और दिखा रहा हूं ना, ये थे। और अभी शेयर करूंगा। हाँ एक मिनट रुको, कौन सा रामायण मैं पूरा कर लूंगा, वाल्मीकि रामायण। और जब यहाँ से जाओगे ना आप, प्रकाशन बताइए सर कौन सा है, प्रकाशन बताइए। गीता प्रेस गोरखपुर, गीता प्रेस गोरखपुर, गोरखपुर गीता प्रेस। मेरे को सर आप चैप्टर वर्स नंबर बताइए, मैं भी उसकी जांच करता हूं। अभी मैं सब, अभी एक मिनट रुको, सब दिखा रहा हूँ, स्क्रीन शेयर कर दिया। ये जो आप बताते हैं ना, मैं इसका सारा चीज नोट करता हूं, मैं इसका सब कुछ नोट करता हूं और मैं डेफिनेटली इसको जांच करूंगा कि गोरखपुर गीता प्रेस हम लोगों ने पढ़ा है, अभी नहीं है, हमें तो ये चीज नहीं मिली है सर। हाँ ये चीज मिलती जरूर है, मिलेगा नहीं, आपको नहीं मिलेगा, आपको झूठे बेर की कहानी है वो मिल जाएगी, ये चीज लो स्क्रीन आ गई होगी। आजाद जी ये चीज हमें मिलती है कि राम ने गर्भवती सीता को वन में भेज दिया, ये चीज हमें मिलती है। आप लेकिन जिस तरीके से उसको डिस्क्राइब करने लग जाते हो ना कि उसमें, सुनिए सुन लीजिए अब एक बार, सुन लीजिए अभी सुन लीजिए बस, ठीक है फिर मैं आपको बोलने का मौका देता हूँ। हाँ युद्ध कांड में बोल रहे हैं राम ना, जब ये सीता को इन्होंने करवा लिया है। प्रकाशन दिखाइए सर इसका। अरे एक मिनट, अरे दिखा दूंगा, पहले सुन लो, पहले दिखा दूंगा, जाके अपना खुद खोज ना। नहीं सर पहले प्रकाशन इसका निकालिए, उसके बाद आगे आपको। अरे आपके अलावा दूसरे लोग भी हैं, सुन रहे हैं ऑडियंस है हमारा, कोई प्रकाशन नहीं है। रुको रुको पंकज जी रुक जाओ, सुन लो बीच में मैं आपको मौका दे रहा हूं। सीता को राम बोल रहे हैं जब उन्होंने आग से गुजरवा लिया है, सीता को अग्नि परीक्षा करवा ली है। आप सब प्रकाशन, अरे आप खुद अपनी रामायण में पढ़ना ना जाके यार, खुद ही आप दिखाइए सर कहां लिखा है प्रकाशन। निश्चय ही तीनों लोग के बीच जानकी पवित्र है, किंतु ये सौभाग्यवती बहुत दिन तक रावण के रनवास में रही है, यदि मैं जानकी की शुद्धता की परीक्षा न कर इसे शुद्ध न करवाता तो सब लोग यही बोलते कि सब लोग यही कहते कि महाराजा दशरथ के पुत्र श्री रामचंद्र बड़े कामी और अनाड़ी है। यह मुझे मालूम है कि सीता मुझे छोड़कर अपने मन में किसी और को स्थान नहीं दे सकती, अर्थात वह मुझ में अनन्य अनुरागवती है। ठीक है, मैंने सत्य का आश्रय लेते हुए अग्नि में प्रवेश करते समय उसने सीता को नहीं रोका और उनकी और इसकी इनकी उपेक्षा की, जिससे तीनों लोगों को इसकी विशुद्ध चरित्रता का विश्वास हो जाए। ये राम ने करवा लिया, वाल्मीकि रामायण में ये बात आ रही है। ठीक है, ये करवा लिया राम ने, कह भी रहा है भाई बंदा ना, उसके बाद गर्भवती स्त्री को घर से निकाल दिया। थू 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 अमित जी प्रकाशन दिखाइए इसका। आजाद भाई आपके पास भी होगा ना? हाँ बिल्कुल, आप गोरखपुर वाला जो किताब है, रुको जा आप अपना रेफरेंस लेके आओ, ठीक है
आप अपना रेफरेंस लेकर आओ, नौकर नहीं हूं आपका, कुछ से कुछ रेफरेंस क्यों दे रहे हो? अरे भाई साहब रुक जाओ, आप अपना रेफरेंस लेके आना नेक्स्ट टाइम, आप अपना रेफरेंस लेके आना नेक्स्ट टाइम, ठीक है? आपने खुद बनाया है क्या ये रामायण? अरे मतलब घर नहीं छाप रहा हूँ मैं, घर घर नहीं छाप रहा हूँ मैं, रामायण क्यों बनाऊंगा? रामायण इतनी अच्छी है कि मैं रामायण बनाऊंगा? इसलिए रुको जाओ, इतना ज्यादा होशियार मत बनो। बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं, रुको जाओ, रुको जाओ, रुको जाओ, बहुत सी संस्थाएं हैं, हमारे घर की संस्था नहीं बोल रहे हो। किताब खोलिए सर, इसका किताब का पेज खोलिए सर, गीता प्रकाशन का। नहीं नहीं मैं ही इधर आपको क्यों प्रमाण दिखाऊंगा? आपने दिखाया, आप सबरी वाले झूठे बेर खाए वो वाला मेरे को लेकर लाकर लाकर दिखाओ, प्रमाण लाकर दिखाओ, पहले सबरी ने कहा, सबरी के झूठे बेर कहाँ खाए वो दिखाओ। आप पहले जो पढ़े हैं इसका प्रकाशन दिखाइए कहाँ पे है। अरे पहले आप वो लेकर आइए, आप ना सबरी के झूठे बेर वाली कहानी मेरे को लेकर आइए, मैं अभी प्रकाशन। वो मेरे से ये पूछे कि अमित जी आप सही बताओ, आप भी लिख रहे हो क्या ये सब बैठ के? आजाद जी आप लोग गलत जा अरे भाई साहब आप पहले मेरे को ये बताओ कि झूठे बेर कहाँ पर आए, मेरे को वो बताओ तब मैं ही क्यों बताऊं आपको। का सबसे बड़ा आरोप लगा है मेरे ऊपर इसके पहले मैं जानूंगा। मेरे को पहले ये बताओ पंकज, मेरे को ये बताओ कहाँ पर झूठे बेर खाए थे वो मेरे को बताओ, मैं चेक कर रहा हूँ। मेरे पास रामायण पड़ा है, गोरखपुर गीता प्रेस गोरखपुर का मेरे पास पड़ा है, ये मैं आपको बता दूंगा सर, ठीक है? मेरे को अभी बताओ, चैप्टर नंबर वर्ष नंबर याद नहीं है, ये मैं आपको जरूर बता दूंगा अगले स्ट्रीम में। अच्छा कौन से कांड में आया ये बता दो, कौन से कांड में आया? चलो मैं खोज लूंगा, कौन से कांड में आया ये? क्या सर? कौन से कांड में आया, कौन से कांड में, किधर कांड हो रहा था तभी आया? कांड नहीं हो रहा था सर, वो तो कांड अलग भाषा की। अरे उसमें, अरे उसमें कांड ही लिखा है यार, मतलब आप अब गलत वे में क्यों ले जा रहे हैं? मैंने यही तो बोला किधर कांड हो रहा था ना तब वो। आप आजाद जी बोल ही वैसे रहते तो हम क्या कर रहे सर आप। अच्छा हाँ जर्विस जी कुछ कह रहे थे सर आप। आपने बीच में, अच्छा जार्विस जी आपको एक बात मैं बताना भूल गया था, सॉरी एक मिनट बस बीच में टोका हूँ। मैंने ना एक गधा पाला एक बकरा पाला, कई बार आते रहते हैं ना, तो माइंड मत कीजिएगा आप लोग, अपना बात करो। एक रामायण एक, अब सुनिए पंकज, एक एक रामायण भी लिखा हूं मैं। और उसका पीडीएफ फ्री यूट्यूब पर एक्सेप्ट करने में क्या जाता है कि हम आखिर रामायण को नीचा दिखाने के लिए हम एक अलग से रामायण बना के उसको पोस्ट कर रहे हैं, एक्सेप्ट करने में क्या प्रॉब्लम है? मतलब यार इसको म्यूट करो, पहले म्यूट करो यार, सब मुझे बोलने नहीं दे रही है। अब सुनिए पंकज जी, आपने बीच में ऐसी एक गप हाकी या फिर आपने जुमला छोड़ दिया अमित शाह जी की तरह कि मैं इतने टाइम से रामायण पढ़ रहा हूँ। अच्छा अमित शाह जी की बात याद आई कि वो कह रहे हैं भाई साहब 12 पास करके जो इंटर में एडमिशन लेगा उसको लैपटॉप देंगे। वही हाल इनका है। हमारे गृह मंत्री देखिए भाई साहब, वो कह रहे हैं जो 12वीं पास करके इंटर में एडमिशन लेगा उसको हम लैपटॉप देंगे, और कहीं कहीं वो 342 को 386 कह रहे हैं, इंग्लिश में कुछ इंग्लिश में कह रहे हैं 386 और अच्छा, हिंदी में। एक बात ये बताओ, आपको ऐसा लगता है, मैंने आपको दिखाया, आपको ऐसा लगता है कि वो उसको मैं खुद अपने घर में कहीं टाइप प्रिंट करा के या कहीं और से करा के दिखा रहा हूँ यहाँ पे? नहीं नहीं आपने ऐसा कुछ नहीं किया है सर, लेकिन अमित जी आपका साउंड ऐसा नहीं होना चाहिए, वो आ जाता है बीच में आ जाता है भाई, आप लोग बात करो, बीच में आ जाता है, बीच में आता है, मिलने आता है मेरे से, वो मेरे से मिलने आ जाता है बीच बीच। अमित सर बहुत सारे लोग सो गए थे, वो फिर से जाग के आ गए हैं, अभी भी जगाओ इन लोग को भाई, सब जागो लड़के लोग, तुम लोग अब हो गया 240 से ज्यादा लोग जाग रहे हैं। करने दो मुझे तो कोई बात खत्म करने दो यार। आपने अमित जी नहीं लिखा है, लेकिन ऑलरेडी जो लोग रामायण या गीता के विरोध में हैं, ऐसी बहुत सी प्रकाशन चल रही हैं जिन्होंने अंत संत कई सारी चीजें लिख के रखी है और उसको आप लोग प्रमोट करते हो, ये चीज है। अच्छा जो
ओरिजिनलिटी है उसे आप प्रमोट नहीं करोगे। यार मैं आपकी आपकी सही चीज बोले पंकज जी, एक बार फिर से बोलो आप क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आया। आपको रेफरेंस ही नहीं पता रहता पंकज जी, आप क्या बोले फिर से बोलो, समझ ही नहीं आ रही थी आपकी आवाज कट रही थी। हाँ फिर से बोलिए क्या सर आपने क्या बोला, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आपकी बात आधी सुना था मैं। हाँ बहुत से प्रकाशन सर हैं ऐसे जो कि ये अमित जी की आवाज तो नहीं हो सकती बिल्कुल भी, इतनी बुरी तो अमित जी की आवाज नहीं। नो अमित जी वेरी बैड सर, इतना बुरा आप बीच में आ जाते, सो जाओ भाई जाके, चलो सो सो जाओ यार। अच्छा चलिए एक क्वेश्चन करते हैं सर, एक छोटा सा आंसर दीजिए जरा इसका भी, थोड़ा प्रकाश डालिए इस बात पर भी। चारवाक जी, चारवास जी से क्वेश्चन है आपसे एक। चारवाक जी के जारविस जी, जारविस जी से क्वेश्चन है, जारविस जी से फिर आ गया यार, जाओ भाई जाओ बेटा जाओ। जर्विस जी जरा इस चीज के ऊपर से बताइएगा। मैं आपके प्रश्न का जवाब दूंगा, लेकिन पहले मेरी बात कब से कट रही है अब सुनिए। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि आपने बीच में ऐसा एक जुमला दे मारा कि मैं तो इतने सालों से इस रामायण पढ़ रहा हूँ, मेरे को तो ये सब शंबुक वाले वगैरह श्लोक नहीं मिले। चले कोई बात नहीं, वो नहीं मिले होंगे आपको। इतना बता दीजिए मुझे सिर्फ कि दशरथ जी को आप पढ़ रहे हैं ना, दशरथ जी को कौन सी उम्र तक बच्चे नहीं हुए थे और उनको पुत्रेष्टि यज्ञ करना पड़ा, पढ़ रहे हैं ना, बताइए। एग्जैक्ट उम्र सर नहीं पता है, लेकिन वो बहुत बूढ़े हो चुके थे उस टाइम पे। कितने बूढ़े, 60 साल 70 साल 100 साल? नहीं नहीं, उस नहीं नहीं नहीं, उसमें तो सर अपने टाइम का जैसा एज तो उस टाइम पे चलता नहीं था, वो हजारों में उनकी जाती है। सर आप फेंक रहे हो, आप है ना, आपने कुछ नहीं पढ़ा है ना, इसीलिए डिबेट करने भी आ जाते हो। पहले पढ़ लीजिए तो आपकी और आपके भगवान या आपकी बिलीफ की कुछ इज्जत रह जाएगी। पहले पढ़िए जाके, और पढ़ेंगे ना फिर आप हमारे साथ ही डिबेट में आके हमें सपोर्ट करेंगे, जाइए। जरूर सर, डेफिनेटली हम सर आप लोगों को देख के ही हमने पढ़ना भी चालू किया है सर। पढ़े हम इससे पहले नहीं पढ़ते थे सर। और वो जैसे इट इज वेरी थैंकफुल टू यू सर ऑल। आपकी एज क्या है पंकज जी? अराउंड 29। ओके सो यू आर मैच्योर इनफ। तो ये अपने आप को जो चूतिया बनाने का जो धंधा है ना, जो सब टुन्नियों ने पाल रखा है, वो बंद कर दीजिए। देखिए डिस्कशन में ना सर इस तरीके के ना वर्ड्स यूज नहीं होने चाहिए, आप सर पढ़े लिखे आदमी हैं। सर 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 यूपी के सीएम आप पढ़े लिखे हैं सर, इवन दैट की मतलब जो जो एकदम नीचे कैटेगरी में भी होते वो भी ऐसे वर्ड्स यूज नहीं करते। दिस इज नॉट साइन ऑफ अ गुड पर्सन सर। नहीं ये वो मुझे आपसे भाषण नहीं सुनना है, मैं सिर्फ इतना कहना, अपने आप को मूर्ख मत बनाइए पंकज जी। नॉट यूज द चूतिया सर, ये क्या होता है सर, इट्स अनसिस्टमैटिकली ना सर, आप खुद बोल रहे हैं यू आर मैच्योर्ड पर आप बोल रहे हैं चूतिया, इट्स व्हाट इज दिस। ओके ओके उसका इतना ही मतलब होता है, मीनिंगलेस और बिना दिमाग का, ये बंद कर दीजिए ये सब सोचना। एक बार जाके पढ़िए अपने आप, और हाँ मतलब मेरा कहने का मतलब ये था कि फिर ये मत ढूंढिएगा कि ये गोल गोल बड़े बड़े ताड़ फल जैसे का ये मीनिंग हो रहा है, ऐसा अपने आप उल्लू मत बनाइए। वो तो सर आपके लोगों के द्वारा बनाई गई रामायण में वैसा दिया हुआ है। अरे सर मैं फ्री नहीं हूँ रामायण। वो तो डेफिनेटली है सर, हम इतने फ्री नहीं है कि ये सब लिखे। अच्छा अभी एक बकरा आपका फिर आ गया। अच्छा एक मेरा सर एक प्रश्न है आपसे, बोलिए उसके ऊपर थोड़ा बात कर लें। बोलिए। ऑस्ट्रेलिया के अंदर मेडिकल की एक यूनिवर्सिटी है सर ऑस्ट्रेलिया में, अभी रिसेंटली मैंने न्यूज भी देखा था। और नाम क्या था? नाम एक मिनट सर, प्रूफ के साथ बोलिएगा, ऐसे हवा में गपोड़ मत दीजिएगा। हाँ फिर कह देना मेरे को पता नहीं है, ये मत कहना। मेडिकल काउंसिल ऑफ ऑस्ट्रेलिया करके है सर, मेडिकल काउंसिल ऑफ ऑस्ट्रेलिया नाम की यूनिवर्सिटी है। हाँ मेडिकल नहीं, ये यूनिवर्सिटी नहीं हुआ सर, ये मतलब ऑपरेट करती है वहां पर यूनिवर्सिटीज को, मेडिकल काउंसिल ऑफ ऑस्ट्रेलिया के है। वहां पर मतलब यूनिवर्सिटी के अंदर में एक स्टैच्यू लगा हुआ है सुश्रुत जी का, महर्षि सुश्रुत। उसमें नीचे में लिखा हुआ है फादर ऑफ सर्जरी,
चीज की वीडियो जो है वीरेंद्र सहवाग ने अभी कुछ टाइम पहले अपलोड किया था कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर इतनी बड़ी एक यूनिवर्सिटी है मेडिकल को जो ऑपरेट करते वहां पर, उन्होंने महर्षि सुश्रुत का जो है स्टैच्यू लगाया है, द इंडियन महर्षि फादर ऑफ सर्जरी करके, एंड दैट वाज 2600 साल पहले का उनका डेट बताया जाता है, वो वहां पर स्टैच्यू लगा हुआ है, लिखा हुआ है ऑस्ट्रेलिया की मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर। इसके ऊपर क्या चाहेंगे आप लोग? और इसका वीडियो किसी अरे गहरे आदमी ने नहीं, वीरेंद्र सहवाग ने सर अपने इस पे भाई क्या 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 हम इसमें क्या करें, हम इसमें नाचे, हम इसमें क्या करें? नाचना नहीं है सर, आप जो अरे तो क्या करूं इसमें भाई, इसमें क्या करें? ये बताओ उनके पास आपका रिलीजन और राम और सबरी और ये उन्होंने साबित हो रहा है, उन्होंने लगा दिया, आपको लगता है कि आपके सुश्रुत के पास औजार भी होंगे चीड़फाड़ करने के लिए? और दूसरा क्यों सर, जब ऑस्ट्रेलिया का मेडिकल यूनिवर्सिटी इस चीज को मान सकता है तो आप कहां के लोग हैं? अरे यार आप एक बात बताओ आजाद भाई, मगर इस बात से लेना देना भी क्या है, इस बात का क्या लेना देना? एक बात का लेना देना ये है, ये क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछा था, पंकज जी मेरा जवाब सुन लीजिए, ये क्वेश्चन आपने मुझसे पूछा था ना, अगर किसी ने सुश्रुत का स्टैच्यू लगा दिया तो उससे ये कैसे साबित हो गया कि वो एक महान सर्जन थे? किस तरह से साबित हो गया? वो तो पांच लोग जाके वहां पे भी अंधभक्त हो सकते या बिना सोचे समझे किसी चीज को एक्सेप्ट कर लेने वाले, उन लोगों को समझाया, उन लोगों ने मूर्ति डाल दी, उसका मतलब ये कहां से हो गया? और अगर वो इतने महान सर्जन थे तो भाई आपके मैं कामना करता हूं कि आपके किसी नजदीकी रिश्तेदार को कोई ऐसी सर्जरी ना आए, लेकिन अगर आती है तो जाइए किसी सर आपका कुछ प्ले हो चुका है भूल से, बंद करिए सर प्लीज। अमित जी आपकी आवाज ऐसी होगी सर, मुझे नहीं पता था आप अपने ओरिजिनल आवाज में अच्छे लगते हैं सर। मैं तो म्यूट था भाई। तो ठीक है जयवेश जी कुछ कह रहे हैं। अब मैं बोलूं? बोलिए सर। मैं तो म्यूट में हूँ। प्लीज यार जो जिसका भी वॉल्यूम है ना प्लीज बंद कर दीजिए सिर्फ दो मिनट। तो पंकज जी यार क्या करूं, पंकज जी अब मैं इतना ही कहना चाहता हूं लास्ट में कि कोई मूर्ति बनाने से, कोई मूर्ति एस्टैब्लिश करने से ये साबित नहीं होता। और ये मैं लास्ट में ये कह रहा था कि आपके किसी नजदीकी परिजन को अगर कभी ऑपरेशन की जरूरत पड़े तो किसी ताड़पत्री वाले बाबा के पास चले जाइएगा, देखते हैं वो जिंदा रहते हैं कि नहीं। ये सुश्रुत जी के आधार पे, सुश्रुत जी के आधार पे जिंदा रहते हैं कि नहीं। ठीक है अभी रिसेंट का सर आपको एक चीज बताता हूं, बोले अमित जी अब प्लीज टाइम काफी है, थोड़ा कुछ डिस्कशन अगर होगा तो आई थिंक वो ज्यादा बेटर होगा सर, या तो मैं कुछ समझूंगा या तो आप कुछ समझेंगे सर। और एक एक और चीज, जैसे मैला उठाना एक गंदी चीज है, वो वैसे ही ये धार्मिक, ये धार्मिक, ये धार्मिक मैला, ये धार्मिक वजन उठाना, ये जानबूझ के जो साबित नहीं हो सकता उस चीज के पीछे पागल की नहीं, नहीं सर साबित इसलिए नहीं हो सकता। पंकज जी बोलिएगा, लेकिन सुनिए ये भी एक साइकोपैथ की ही निशानी है, आप साइकोलॉजिकली डिसऑर्डर में है कि नहीं बस हमारा पुराना था वो सही था। अरे भाई नहीं था, और इतने ही हम सच्चे थे तो क्यों हमारा एक भी ये आर्कियोलॉजिकल प्रूफ नहीं मिलता? क्यों अपने आप को इस तरह घसीट रहे हो भाई? अरे जर्विस जी मुझे ये बताइए ये जितने भी आर्कियोलॉजिकल प्रूफ हैं हमारे फिलहाल अभी तक में जो भी मिले हैं, जितने भी इंक्रिप्शंस वगैरह मिले हैं, कोई 1000 साल 2000 साल पहले तो नहीं ना मिले हैं सर, ये 100 200 250 सालों में ही ना मिल रहे हैं। हाँ तो 250 सालों के अंदर ही मिला है, तो इतनी सर ये कह रहा हूँ कि खोज करना सर अभी खत्म नहीं ना हुआ है, इट इज द स्टार्टिंग, 200 250 साल ही हुए हैं अभी इन्वेंशन सर चल ही रहा है, खोज अभी चल ही रहा है, आप लोग इस चीज को क्यों कहते हैं कि मिला है? अरे नहीं मिला है अभी तक में, 2000 साल पुरानी चीज मिली, 2500 साल रहा है, धीरे धीरे और भी सर्च चलेगा, काम चल रहा है, 4000 साल पुराना भी मिलेगा, 10000 साल पुराना भी मिलेगा।
तो अच्छा। वेट ना सर, आप एक्चुअली आप लोग डिसीजन पे क्यों आप लोग कहीं पर आते हैं, नहीं मिला है ठीक है बट वर्क इज प्रोसेस इन प्रोग्रेस, इन प्रोग्रेस राइट, वर्क इज इन प्रोग्रेस मतलब खोद अच्छा, रहे हैं अभी मिला नहीं है, अभी नीचे तक जा रहे हैं अपन। मैंने सर ये सुश्रुत वाली बात आपको इसलिए कही जर्विस जी, आप लोग जो कहते हैं कि इसका टाइम कब था, इसका एविडेंस क्या है, किसी ने इंडिया में कोई इन्वेंशन किया है तो वो इंडिया के तौर पर मतलब इंडिया से पेटेंटेड क्यों नहीं है, अंग्रेजों के पास ही क्यों है, इसलिए मैं सर ये चीज आपको मैंने कहा कि अंग्रेज भी जो चीज पेटेंट करवा रहे हैं वो यहीं से लेकर के जा रहे हैं, अपने नाम से पेटेंट करवा रहे हैं। सब एक छोटा सा एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दूंगा जर्विस जी, आपने पत्तल में खाना खाया है सर कभी, पत्ते में? पत्ते, खाया पत्ते होगा, बोलो ना आगे। हाँ हम सब लोगों ने आई थिंक खाया है, और हमसे आई थिंक 200 500 या 1000 साल पहले भी लोग पत्ते में खाना खाते थे। अच्छा। चाइना ने 2019 में एक पेटेंट करवाया है अच्छा, ग्रीन डोना प्लेट के नाम से 2019 में चाइना ने एक पेटेंट करवाया है। ये जो पत्तल हम बनाते हैं ना, पत्ते का जो थाली बनाया जाता है, उसको चाइना ने 2019 में पेटेंट करवाया है। अब आज से 100 साल के बाद, या सॉरी चाइना नहीं, जर्मनी ने सर, जर्मन ने आज से 100 साल या 200 साल के बाद का जो जर्मन होगा वो ये कहेगा कि अरे यार ये जो डोना प्लेट है पत्ते का, ये तो हमारा जर्मनी ने आज से 200 साल पहले इन्वेंट किया था। पेटेंटेंसीप उन्होंने 2019 में ली, आज से 200 साल के बाद का जर्मन जरूर ये चीज बोलेगा। अरे लेकिन तो फिलहाल करंट में वो ये तो बता दो आप क्या क्या चीज बनाए हो, ये बताओ ना। कहने का मतलब यही है सर कि हमारे यहाँ पर जितने भी इन्वेंशन हुए उस टाइम पर कोई पेटेंट की टेक्नोलॉजी नहीं चलती थी, जो कोई पेटेंट करवा लेगा सर। अच्छा, इसलिए जो लोग आते गए, जिनको बाहर से लोग आए, जिनको जो नॉलेज मिला वो गए पेटेंट करवाए, और आज उन्हीं के नाम पे सारी चीजें चल रही है। बट वो भी कहीं ना कहीं मानते हैं कि इसका जो सोर्स है वो इंडिया से है, और मोस्ट प्रोबेबली आप जो भी इन्वेंशन आप देख लो सर, कोई भी वर्ल्ड में जो भी इन्वेंशन, इंटरनेट भी, अब 70% सब चीज तो सर ऐसा नहीं कि इन्हीं लोगों ने करा है। नहीं मतलब 70% में क्या क्या होगा ये तो बता दो। अब सुश्रुत जी है सर, मेडिकल वाला है, मैथमेटिक्स जी नहीं पूछ रहा हूँ मैं, 70% में क्या क्या है? सारी चीजें आ गई सर, जहाज बनने लग गए, घर बनने लग गए, आर्किटेक्ट जहाज मैथमेटिक्स भी था, साइंस भी था, सारी चीज था। चलिए चलिए एक बार सोच लीजिए कि ये सब था भी, इतना बताइए कि हम इतने एडवांस थे, किसी भी शास्त्रों में डायनासोर का उल्लेख क्यों नहीं मिल रहा है भाई साहब? क्या आर्कियोलॉजी के में हम पीछे रह चुके थे? है ना डायनासोर का उल्लेख है ना सर शास्त्रों के अंदर? ओह माय गॉड, अभी क्या भी बताइए, बता रहा हूँ ना सर आपको, बताओ। सर आप मजाक करने आते हो क्या हम लोग से? नहीं नहीं डायनासोर का नाम बता रहा हूँ शंभरासुर, अंधकासुर, महिषासुर, जितने असुर हैं डायनासोर ही तो थे। डायनासोर अच्छा, महिषासुर अच्छा, लास्ट में सुरसुर है सर। नहीं अच्छा सुरसुर हो गया तो अरे यार डायनासोर भी मिल गया यार, हद हो गई। अच्छा तो बकासुर, अघासुर और डायनासोर, वाह भाई सारे डायनासोर और उन्हीं के वंशज लोग हैं सर। मैं हमारे व्यूअर से कुछ कहना चाहता हूँ, जो जितने लोग टाइप कर सके प्लीज टाइप करें, पंकज महाराज की जय। जय बोलिए सर, I was just here, ऐसा कुछ नहीं है, मैं थोड़ा सा बस डिस्कशन के लिए आया हूँ। पंकज जी देखो ठीक है, डिस्कशन भी होता रहता है, आज मतलब 2:30 बजने को है और लोग 250 लोग जाग रहे हैं, तो मतलब समझ लो ना अपनी नींद खराब तो कर रहे हैं उनको। तो आज आपको सर एक नया चीज तो मिल गया ना, डायनासोर शास्त्रों में है। हाँ एक बार फिर से बताइए, नया चीज तो आज सुनने को मिल गया ना डायनासोर शास्त्रों में है। आप प्लीज ये अमित जी की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ, उनका पीसी वीसी खराब है और उनके जो ये पालतू गधे और बकरे हैं ना, वो अभी यार मैं तो म्यूट में हूँ।
बेवकूफ बना रहे हैं ये गधे और बकरी को ये पाले हुए इधर आवाज कहाँ से आएगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी हमारे पैनलिस्ट है अगर किसी से कोई गुस्ताखी हुए तो मैं माफी मांगता हूँ, लेकिन आप आते रहिए, हमारा ज्ञान बढ़ाइए, हमें ये गम्मत मतलब ये सारा ये हंसाइए, आप बहुत अच्छा लगा। और आप ही एक और आपको मैं दिल से थैंक यू कहना चाहता हूँ। अच्छा एक जर्विस जी एक और बात, जर्विस जी एक और बात सर। पंकज जी अभी क्या था हमारी जो ये डिस्कशन थी ये जो लाइव था थोड़ा बोरिंग हो गया था, आपके आने की वजह से सब लाइव हो चुके हैं। तो अरे आप मजा आ गया यार, आप आए ना आपके साथ एक घंटा बीत गया पता भी नहीं चला सभी लोग। एक और छोटा सा बात जर्विस जी, जर्विस जी एक और बात सर, मेरा फोन स्विच ऑफ होने वाला है एक। बोले बोले साउंड चली गई आपकी। हो गया स्विच ऑफ हो गया स्विच ऑफ पंकज जी मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, मोबाइल स्विच ऑफ हो गया पंकज जी स्विच ऑफ हो गए। अरे यार लेकिन एक बात है अमित सर, आपने ये क्यों पाल रखे आपने ये फिर आ गया, रुको अमित सर यार इसको ये अमित सर की एक गधे क्या लिख रहे हैं मिस्टर पंकज सूर लाइव चैट में देखो नहीं उसके अलावा आदमी सूर को बैठाने के लिए डायनासोर उसका सूर डायनासोर डायनासोर का सूर बना दिया उन्होंने। वाह क्या बात है। कल को तो ये भी बोलेंगे मिले सूर मेरा तुम्हारा तो सूर बने हमारा, वो भी एक सूर था।